हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, दो तरह के हैं। या तो वो हैं हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स या है हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोवेलेंट से, तो फिजिकल स्टेट जो होती है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जनरली गैसेस होती है या लिक्विड्स होती है। लेकिन पोलर कंपाउंड्स में क्या हो जाता है कि थोड़ी पोलैरिटी बढ़ जाती है और वो टूवर्ड्स, मतलब गैस से टूवर्ड्स लिक्विड की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स का लो होता है, पोलर कंपाउंड्स का थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। नाउ नॉन पोलर बिल्कुल भी पोलर नहीं होते, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी, ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये इनसॉल्युबल है, पोलर लिक्विड्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर पोलर है तो वो आयोनाइज होके कंडक्ट कर देगा, लेकिन अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन कंडक्टर होगा, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं जो उसका कंडक्ट कर सके हीट या इलेक्ट्रिसिटी को। ना यहाँ पे एक टर्म आया आयोनाइज। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चलन ये याद रखिएगा, ये बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है। तो HCl हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl क्या है हमारा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है और ये एच आयन्स और क्लोराइड आयन्स बनाता है और करंट को पास कर देता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ या आयोनाइज हुआ? तो याद रखिएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा आयोनाइज होते हैं। डिसोसिएट इसलिए नहीं होते क्योंकि पहले ये आयन थे ही नहीं। अगर आयन होते, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर आयन है यहाँ पे, ऑलरेडी आयन है, प्लस माइनस वाटर डाला तो ये ब्रेक हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएटेड थे अब डिसोसिएट हो गए, क्या? आयन्स। ओके, लेकिन HCl में क्या है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करता है, इसका ये भी हम पढ़ेंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बहुत हाई है, 80। इसीलिए क्या होता है, जो वाटर है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट? मैक्सिमम कंपाउंड्स को ये डिजोल्व करता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये वाटर क्या करेगा, इतना स्ट्रांग है कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जैसे ये शेयर ब्रेक को बॉन्ड को ब्रेक करता है तो क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, एक कमजोर बच्चा और एक ताकतवर बच्चा बीच में कॉपी शेयर कर रहे हैं, बुक शेयर कर रहे हैं। तो जो कमजोर बच्चा है ना, जो ताकतवर होगा वो उससे खींच के अपनी तरफ किताब रख लेता है। ठीक है, और ज्यादा जोर लगाता है तो वो बुक ही अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। क्या है, हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब शेयर करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहता है, और जैसे ही वाटर डालते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी जो शेयर्ड पेयर है, जैसे क्लोरीन का है, राइट? तो जैसे ही हम वाटर डालेंगे वैसे ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से भी गया, तो क्या हो गया, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। क्लोरीन के पास अपने 7 थे और हाइड्रोजन का भी ले आया, तो उसके पास हो गए 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अब क्या हुआ, ये आयन बने हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज, राइट? सो दिस इज व्हाट, आयोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनाइज करते हैं फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉन पोलर कंपाउंड्स तो आयोनाइज ही नहीं करते, इसलिए दे आर नॉन कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। इसीलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल है, राइट? नेचर भी उनका गैस है विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आएगा। और एक जो खास बात ध्यान रखने की है, ये जो एरो है, ये अभी हम पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कभी भी हम ये एरो एक डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो हमें ये
डबल हेडेड, ये हमको दिखाना है रिवर्सिबल साइन में. रिवर्सिबल मतलब ये आयंस कंबाइन करके HCl बनाएंगे और वाटर में मिलके फिर ब्रेक करेंगे. ओके, तो ये साइन आप याद रखिएगा. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए चैनल सो दैट आपके पास नए वीडियो सबसे पहले पहुँचे. थैंक यू.